एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब। और गाइस सॉरी, आज मैं बहुत दिन बाद आपके पास आई हूँ, लेकिन आज मेरे पास जो वीडियो का टॉपिक है, बहुत ही अच्छा वीडियो का टॉपिक है। आज मैं आपको एक ऐसा फेस मास्क बनाना सिखाऊंगी जिससे आपके स्किन के ऊपर जो रेड कलर के छोटे छोटे दाने हो जाते हैं गर्मियों में, और जो आपकी स्किन बहुत ज्यादा टैन हो जाती है, वो टैनिंग निकल जाएगी और आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी और आपके सारे पिंपल्स, छोटे छोटे बम्प्स जो होते हैं, पिंपल बम्प्स, वो भी चले जाएंगे। गाइज, आई होप आप सब सही हैं और कोविड का जो ये टाइम चल रहा है, ये जल्दी से कट जाए ताकि हम लोग अच्छे से इंजॉय कर पाए अपनी लाइफ को। एनीवेज, आपको क्या करना है, खाली बोल लेना है, ओके। और अब उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट मिलाने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने सारे ऑलरेडी रख लिए हैं, पर मैं धीरे धीरे आपको इंट्रोड्यूस करती जाऊंगी क्या क्या हम मिलाएंगे। ओके गाइज, चलिए हम बनाते हैं एक बहुत अच्छा फेस मास्क जो हमारी स्किन को ग्लो देगा और हमारी स्किन से टैनिंग रिमूव करेगा और एक्स्ट्रा जो पिंपल्स हो जाते हैं उसके मार्क्स भी रिमूव करेगा। ओके गाइज, चलिए बनाते हैं। चलिए गाइज, तो सबसे पहले जो आज मेरा बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, जो आप नेचुरल एक्सफोलिएटर भी कहा जाता है उसको, वो है कॉफी। तो आप कॉफी ले सकते हैं, कोई भी नेचुरल कॉफी आप ले सकते हैं। मैंने ब्रू की कॉफी ली है, आप कोई भी कॉफी ले सकते हैं। तो कॉफी लेनी है आपको, 1 टेबल स्पून लेनी है कॉफी। आप कॉफी जो होती है वो स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है, आपके स्किन से जितनी भी एक्स्ट्रा डेड स्किन होती है उसको रिमूव करती है और यहाँ तक कि आपकी स्किन को ग्लो भी देती है। तो आपको ज्यादा नहीं लेनी है, 1 टेबल स्पून आपको कॉफी लेनी है। अब नेक्स्ट मुझे जो इसमें इंग्रेडिएंट डालना है वो बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है फॉर समर्स और विंटर्स। तो ये है मेरा ऑरेंज पील पाउडर। ये ऑरेंज पील पाउडर जो है आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो ऑरेंज पील पाउडर का आपको क्या करना है, 1 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देना है। तो अभी मैंने 2 इंग्रेडिएंट इसमें डाल दिए हैं, ऑरेंज पील पाउडर और 1 स्पून कॉफी। अब नेक्स्ट आपको क्या डालना है गाइज इसके अंदर, नेक्स्ट आपका इंग्रेडिएंट रहेगा इसके अंदर वाइल्ड टर्मरिक। आप नॉर्मल टर्मरिक भी ले सकते हैं, वाइल्ड लेंगी तो और इफेक्टिव रहेगा। फेस के ऊपर जितनी भी त्वचा पे हमारी जो भी डेड स्किन होती है, निशान धब्बे होते हैं, ये उसको दूर करती है। इसको आपको 1 चुटकी डालना है, ज्यादा नहीं डालना है वरना इसका स्टेन रह जाता है फेस पे। ओके गाइस, अब ये जो पाउडर मैंने बनाया है इसको मैं अच्छे से मिला लूंगी, इस तरीके से ये इसका मिक्सचर बन जाएगा। अब नेक्स्ट आपको इसमें क्या डालना है मिक्सचर को गाइस, और ये फेस मास्क आप ना हफ्ते में 3 बार लगाएं। अभी समर्स चल रही है, स्किन बहुत टैन होती है और स्किन पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, उसके निशान रह जाते हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ओके गाइस, चलिए हम नेक्स्ट इसमें डालेंगे हम हनी। तो हनी आप कोई भी यूज कर सकते हैं, 100% प्योर हनी आप ले सकते हैं, मार्केट से आपको मिल जाएगा बहुत इजीली, और आपके पास जो घर में अवेलेबल है आप वो वाला हनी भी यूज कर सकते हैं। कोशिश करिए कि आपके पास प्योर हनी हो, अदरवाइज आप डाबर हनी और कोई भी हनी आप यूज कर सकते हैं। तो आपको कितना डालना है उतना डालना है जिससे इसकी एक थोड़ी थिक कंसिस्टेंसी बन जाए, जो ये पाउडर हमने मिक्स किया है अभी। तो मैं 1 टेबल स्पून इसमें डालूंगी। ओके गाइस, तो मैंने इसके अंदर कितना डाला है हनी, 1 टेबल स्पून। अब मैं इस मिक्सचर को अच्छे से मिला दूंगी। अब मिक्सचर को मिलाने के बाद ये थिक सी कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है, लेकिन हमारे फेस पे ये कंसिस्टेंसी नहीं लग सकती। तो इसको अपने फेस पे लगाने के लायक बनाने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालना पड़ेगा। तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालने के लिए मुझे नॉर्मल इतना वाटर इसके अंदर डालना है कि ये मेरी स्किन पे लग जाए, ना तो ये इतना ज्यादा पतला हो जाए कि स्किन से निकल निकल के यहाँ वहां भागना लग जाए, नीचे इतना होना चाहिए कि आपकी स्किन पे लग जाए। तो इस तरीके से अभी मैं देख रही हूँ थोड़ा सूखा है, तो इसमें और पानी डाल दो। अब आई थिंक इसकी कंसिस्टेंसी एकदम ऐसी बन चुकी है जो मेरे फेस पे लगते ही आराम से इजीली लग जाएगा। तो आप इस फेस मास्क को 15 मिनट के लिए फेस पे लगाएं और फिर उसके बाद मुंह धोने के बाद स्किन को मॉइस्चराइज करें और उसको टोन करें, और आप देखेंगे कि आपका ये फेस मास्क इतना ज्यादा इफेक्टिव है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इस फेस मास्क का। कॉफी फेस मास्क लगाना ना भूलें, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसे इंग्रेडिएंट मैंने मिलाकर आपको दिखाया है जो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है स्किन के लिए, और आप कोई भी इसको यूज कर सकता है, मैन वुमेन और गर्ल्स बॉय एवरीवन। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आई है और अच्छी लगी है तो उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।